नमस्कार आप सभी को, जय श्री कृष्ण। बांग्लादेश में हो गया भयंकर हाहाकार, चारों ओर मौत ही मौत। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं किस प्रकार से, आप देखिए कि अभी बांग्लादेश में क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, अभी हाल ही में हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले समय में किस प्रकार से हिंसा भड़कने वाली है। उस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि किस प्रकार से जातीय हिंसा भड़कने वाली है, और हमने आपको संकेत भी दिया था कि पूर्वी क्षेत्र से एक हिंसा होने को है, एक बड़ा दंगा होने को है। तो आप देखिए कि अब बांग्लादेश की क्या स्थिति है। पिछले कई दिनों से लगातार बांग्लादेश में लाखों लोग आज सड़कों पर उतर चुके हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ की जो वर्तमान सरकार थी वो लोगों पर तानाशाही कर रही थी, वो लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रही थी, इसके कारण कहीं ना कहीं पूरी स्थिति बनी। तो आप देखिए कि अभी वहाँ की जो प्रधानमंत्री है वह उस राष्ट्र को छोड़ करके भाग चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर लोग सड़कों पर होंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बांग्लादेश की स्थिति अभी क्या है। आप जहां देखेंगे वहां पर आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, छात्र ही छात्र दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि वहां की जो प्रधानमंत्री थी उसने जो है लोगों के बातों को नहीं माना, वो लगातार लोगों पर तानाशाही कर रही थी, वो लगातार लोगों का अपमान कर रही थी, लोगों को सही सुविधाएं नहीं दी जा रही, जिसके कारण कहीं ना कहीं जनता भड़क उठी। और आप देखिए कि क्या स्थिति हुई, और उस देश के प्रधानमंत्री को, यानी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अब देखिए कि राष्ट्र छोड़ करके भागना पड़ा है। आप सोच सकते हैं कि जनता की शक्ति क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में सदैव जनता का सम्मान करना चाहिए, परंतु कुछ भ्रष्ट नेता, कुछ जो है षड्यंत्रकारी नेता जो होते हैं, वो जनता को अपना गुलाम समझ लेते हैं और फिर वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। परंतु इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि जनता की शक्ति के आगे कहीं ना कहीं कोई भी शक्ति कम है, कोई भी शक्ति उसके समक्ष आप कह सकते हैं बिल्कुल ही, आप कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कैसे वहाँ की जनता ने पूर्णतया जो है बगावत का कार्य किया है। अभी भी यदि आप देखें तो वहाँ पर आप देखिए कि राष्ट्रपति का जहाँ निवास था वहाँ पर लोग घुस चुके हैं, और चारों ओर से वहाँ पर लोगों ने घेराबंदी कर दी है। वहाँ की जो संसद थी, यानी कि यदि हम बात करें बांग्लादेश की जो संसद थी, वहाँ पर भी लोग जो है बड़ी संख्या में घुस चुके हैं। वहाँ पर लोगों ने जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वहाँ पर कब्जा जमा लिया है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि अभी बांग्लादेश की स्थिति क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने सही भी किया है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों पर तानाशाही की जा रही थी, यदि हम बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो आप देखिए कि ये महिला जो है पिछले 15 वर्षों से बांग्लादेश की सत्ता में बनी हुई थी। आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। अब देखिए, ये जो आंदोलन किया जा रहा है इसके पीछे का मुख्य कारण जो है वह आरक्षण का मांग है। वहाँ के जो छात्र है वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण का सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि किसी भी कार्य में छूट देना, यानी कि छात्रों को सहूलियत देना। परंतु दूसरी ओर यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो तानाशाही कर रही थी, वो छात्रों के बातों को नहीं सुन रही थी, यहाँ तक कि उसने जो है छात्रों का अपमान भी किया, छात्रों को अपशब्द कहा, छात्रों को जो है आतंकवादी भी कहा। तो आप सोच सकते हैं कि उसने कितने कड़े शब्दों का प्रयोग किया। यही कारण रहा होगा कि कहीं ना कहीं छात्र जो है वो भड़क उठे, कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता थी वो भड़क उठी, और फिर उसने बगावत कर दिया और सभी लोग जो है सड़कों पर आ गए। अभी आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर जो है 30 से 40 लाख लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, अभी भी वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 2 से 3 हज़ार छात्रों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हुई है। चारों ओर आप देखिए कि केवल और केवल आपको जनता ही जनता दिखाई देगी। बांग्लादेश की जो स्थिति है आप देखिए कि वही स्थिति पिछले वर्ष हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर हुई थी, जहां पर बड़े स्तर पर जनता जो है सड़कों पर उतर आई थी, क्योंकि वहां पर महंगाई का स्तर इतना अधिक बढ़ गया था कि जनता को खाने के लाले पड़ गए थे। देखिए, यही हम आपको बता रहे हैं कि भविष्यवाणी का यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में जातीय दंगे होंगे, बड़े स्तर पर हिंसा होगा, लोगों में जो है टकराव पैदा होगा, कहीं ना कहीं लोग जो है भूख से भी मरेंगे, और इसके कारण जनता जो है त्राहिमाम करेगी। दूसरी ओर आप देखिए कि जो पाकिस्तान नामक राष्ट्र है वहाँ पर भी आप आने वाले समय में देखेंगे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, यानी कि वहाँ की जो जनता है वो सड़कों पर आएगी, और जो सत्ता में बैठे जो राजनेता हैं, जो कि भ्रष्ट हैं, जो कि
सबसे बड़े महाषड्यंत्रकारी हैं, महाराक्षस हैं, ये लोग जो है राष्ट्र छोड़कर भागेंगे। आप देखिए कि स्थिति अभी क्या है कि जिस प्रकार से भूखमरी की स्थिति बन रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी की स्थिति बन रही है, जनता जो है पूर्णतः त्रस्त हो चुकी है, किसी के पास आज रोजगार नहीं है। यदि हम दूसरी ओर भारत की बात करें तो भारत में आप देखिए कि स्थिति कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी गंभीर है। और भारत में बैठा ये जो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी, सबसे बड़ा दैत्य है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये देखिए कहीं ना कहीं ये भी लोगों पर पूर्णतः तानाशाही कर रहा है। इससे बड़ा तानाशाह संभवतः आज तक नहीं आया है भारत के सत्ता में। परंतु इसने क्या किया है कि अंधभक्त को जन्म दिया है, यानी कि इसने जो है बड़े स्तर पर अपने ऐसे अंधभक्तों को जन्म दिया है जो कि यदि नरेंद्र मोदी उन अंधभक्तों को ये आदेश दे दे कि कल को विष खा करके अपने प्राण त्याग देना है, तो ये अंधभक्त इतने मूर्ख हैं कि वो भी करने को तैयार हो जाएंगे। परंतु आप देखिए कि जनता जो है भारत में कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जागृत हो रही है। आप देखेंगे अतिशीघ्र भारत में भी बहुत बड़ा दंगा होने वाला है, गृह युद्ध होने वाला है, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हुआ है उससे भारत को भी सीख लेनी चाहिए। और बड़े स्तर पर एक गृह युद्ध की आवश्यकता है भारत में, तभी ये जो षड्यंत्रकारी जो राजनेता है, जो राक्षस रूपी ये राजनेता है, ये समझेंगे, क्योंकि ये स्वयं को कहीं ना कहीं तानाशाह मान बैठे। आप देखिए कि पिछले कई वर्षों में भारत में क्या हुआ है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, छात्र त्रस्त हैं, प्रत्येक व्यक्ति त्रस्त है भारत के अंदर। आप देखिए कि किस प्रकार से इस राक्षस नरेंद्र मोदी ने भारत के जनता को कहीं ना कहीं दुख दिया है। आप देखिए कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे जनता दुखी ना हो। इसने जितने भी कार्य किए हैं केवल और केवल जनता के पीठ में चूरा भोंकने का कार्य किया। आप देखिए कि लगातार ये महंगाई बढ़ाते चला जा रहा है, सरकारी जो संपत्ति थी उसे बेच रहा है, और कहीं ना कहीं ये देश को बेच चुका है। आप देखिए कि जो रोजगार का स्तर है वो किस स्तर तक गिर चुका है, आज युवा बेरोजगार है। आज कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर आप देखिए लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को पथभ्रष्ट किया जा रहा है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि जनता अब कहीं ना कहीं फूटने ही वाली, यानी कि जनता का जो क्रोध है इस राक्षस नरेंद्र मोदी पर फूटने ही वाला है। और जिस दिन जनता का गुस्सा नरेंद्र मोदी पर फूटेगा तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को भागने का भी स्थान नहीं मिलेगा और नरेंद्र मोदी कुत्ते की भांति पीटा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये नरेंद्र मोदी कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ है ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से वहाँ पर तानाशाही कर रही थी वहाँ की प्रधानमंत्री, जो कि कई वर्षों से जनता पर अत्याचार कर रही थी, उससे बद से बदतर जो स्थिति है आप देखिए कि भारत में है कि पिछले 15 वर्षों से ये तानाशाह जो है भारत की सत्ता में बैठा हुआ है और ये कहीं ना कहीं जनता पर लगातार अत्याचार किए जा रहा है। परंतु यहाँ पर एक दुर्भाग्य ये है कि इसने अंधभक्तों को जन्म दे दिया है, जिसके कारण अंधभक्त उस तथ्यों को नहीं समझ पा रहे हैं कि देश हित में क्या आवश्यक है। और कहीं ना कहीं धर्म भी यही कहता है कि यदि कोई तानाशाही करे, यदि वह राजा उस योग्य नहीं है तो उसे मृत्युदंड ही देना चाहिए, ये धर्म कहता है। यदि आप चाणक्य नीति पढ़ें तो चाणक्य नीति में यह लिखा गया है कि यदि राजा जो है उसको अधिक धन दे दिया जाए तो वो सत्यानाश कर सकता है, वो विनाश कर सकता है, और यही कार्य नरेंद्र मोदी रूपी मूर्ख कर रहा है। आप देखिए कि इसने भारत को किस स्थिति में ला करके रख दिया है। वो भारत जो एक समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज आप देखिए कि भारत की क्या स्थिति है। भारत की वह स्थिति है कि लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास जो है रहने को गृह नहीं है। आप देखिए कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कितने ही लोगों को इसने जो है आप देखिए कि अमृत प्याला पिला करके मार दिया। आप समझ रहे होंगे मेरा संकेत किस ओर है। तो आप देखिए कि आज यदि हम बात करें तो लगभग 80 से 90 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है भारत में। इसलिए संभवतः इस तानाशाह ने जो है जनगणना भी नहीं करवाई। आप इसे कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा स्थिति आज भारत में है, कितना खतरनाक स्थिति भारत में है। और मैं सच कहता हूं कि आप देखें ये अतिशीघ्र भारत में भी गृह युद्ध होने वाला है और ये सारे राजनेता जो कि तानाशाह हैं ये सारे मारे जाएंगे, ये सारे श्वान की भांति मारे जाएंगे। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। और जिस दिन भारत में जनता का गुस्सा फूटेगा, जनता का क्रोध फूटेगा, उस दिन आप देखिएगा कि भारत की क्या स्थिति रहने वाली है। वैसे बांग्लादेश की जो स्थिति है उससे देखकर यही लगता है कि अब बांग्लादेश में कहीं ना कहीं एक बड़ा सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा और यही भविष्य मालिका भी कहती है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणियां कही गई है अब देखिए धीरे धीरे
वो सत्य सिद्ध हो रही। अब देखिए यही जो युद्ध है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप देखिए कि धीरे धीरे वो स्थिति बन रही है कि कहीं ना कहीं जो सारे देश हैं वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ चले हैं। यही भविष्य मालिका कहती है कि अतिशीघ्र तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होने को है, जिसके बाद आप देखेंगे कि पूरा समीकरण ही बदल जाने वाला। तो आप देखिए कि ये स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर है और ऐसे यदि चलता रहा तो अतिशीघ्र पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा, पूरा विश्व का सत्यानाश हो जाएगा। परंतु जितने भी राजनेता हैं आज ये तानाशाह बन चुके हैं और ये जनता को अपना गुलाम समझते हैं। परंतु जनता को भी चाहिए कि इन हरामखोरों को, इन राक्षसों को अतिशीघ्र जो है दंड दे, और ऐसा दंड दे कि आने वाली इनकी 7 पीढ़ियां जो हैं वो ये दंड सुन करके कांप उठे और इनकी आत्मा जो है वो कांप उठे। अगले जन्म में ये जब जन्म ले तो इन्हें स्मरण रहे कि इन हरामखोरों ने, इन राक्षसों ने पिछले जन्म में क्या कृत्य किया था, क्या कुकर्म किया था जिसके कारण इनको यह दंड मिला। तो आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और बड़े स्तर पर लोग समझ सकें कि तानाशाही अधिक दिनों तक नहीं चलती है। हम जुड़ते हैं, तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।